अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में उस्ताद राहत फतेह अली खान ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। राहत कहते हैं कि नई नस्ल भी कवाली की दिलदादा है और मौसीकी से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर हो रहा है। ऑस्टिन से जियो न्यूज के नुमाइंदे राज जाहिद अख्तर खानजादा की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार उस्ताद राहत फतेह अली खान कव्वाली के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया भर में पेश करके दुनिया को अमन का पैगाम दे रहे हैं। दौरे अमेरिका के दौरान जीएनएस से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि जस्ट कव्वाली महफिलों के दुनिया भर में 100 से ज्यादा कंसर्ट इस मिशन का हिस्सा है। राहत फतेह अली खान का कहना है कि अमेरिका भर में कव्वाली कंसर्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं। हर जगह पर कंसर्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं और कंसर्ट करने के बाद ये महसूस हो रहा है कि कव्वाली सुनने के लिए लोग अरसे दराज से बेताब थे। लोग बड़ा इसको पसंद कर रहे हैं, डिमांड्स लोगों की बहुत ज्यादा थी और हम उस पर पूरा उतरे अल्लाह की मेहरबानी से। तो बाकी जी ये जो है कव्वाली, ये ऐसा हमें फील हमें ऐसा हुआ कि लोग कव्वाली सुनने के लिए बेताब भी हैं और वो डिमांडिंग भी। राहत फतेह अली खान का कहना है कि कव्वाली वो वाहिद जरिया है जिससे लोगों को मस्त किया जा सकता है। राहत फतेह अली खान के मैनेजर सलमान अहमद का कहना है कि आज के दौर में जब म्यूजिक दूसरी तरफ जा रहा है तो इस दौर में कव्वाली के जरिए जो पैगाम दिया जा रहा है उससे लोग वापस इसकी तरफ आ रहे हैं। सलमान अहमद का कहना था कि इस जदीद दौर में राहत फतेह अली खान पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में सबसे बेहतर सफीर हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लोग बहुत तरीके ढूंढ रहे हैं। मैं कहता हूं खान साहब ने तो अनकंडीशनली वो सॉफ्ट इमेज वो लेके इतने सालों से ही चल रहे हैं, बिकॉज कहीं भी खान साहब परफॉर्म कर रहे हों पाकिस्तानी हिंदुस्तानी अफगानी हर दुनिया के मेन स्ट्रीम के होते हैं। सो आई डोंट थिंक खान साहब से बेहतर पाकिस्तान का जदीद दौर में कोई एम्बेसडर है। राहत फतेह अली खान सुर और ताल के सरगम के जरिए वो ताने छेड़ते हैं कि सुनने वाले पर गोया सहर ताली हो जाता है। वो लम्हात हमेशा के लिए लोगों की यादों में कैद हो जाते हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने जिस अंदाज तरीके और खूबसूरती से इस चीज की शुरुआत की थी, उनके शागिर्द समवन हुज बीन ऑन स्टेज विद हिम फ्रॉम अ वेरी यंग एज, उस्ताद राहत फतेह अली खान। मुख्तलिफ शहरों में उस्ताद राहत फतेह अली खान की परफॉर्मेंस, गजलों गीतों और कवालियों पर लोग झूम उठे। अमेरिका की रियासत टेक्सास के मुख्तलिफ शहरों में उस्ताद राहत फतेह अली खान की परफॉर्मेंस, गजलों गीतों और कवालियों पर लोग झूम उठे। ऑस्टिन से जियो न्यूज के नुमाइंदे राजा जाहिद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान कव्वाली के जरिए अपने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को खराज अकीदत पेश करने के लिए अमेरिका भर में अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। टेक्सास के शहरों डैलस, ह्यूस्टन और ऑस्टिन में सोल्ड आउट कंसर्ट यहाँ रहने वाले अवाम नास की भरपूर दिलचस्पी की वाज़े मिसाल है। तो
कंसर्ट में आने वाले मद्दा झूम झूम गए। जितनी बार राहत भाई की आवाज सुनते हैं दिल को बहुत राहत मिलता है। It's a beautiful night. It's a very spectacular show. कव्वाली का हमारा एक कल्चर है। खास साहब ने तो महफिल जमा दी है। बड़ा मजा आया। राहत साहब आए हैं। भाई पाकिस्तान का बड़ा नाम है इसमें। हम लावेंगे। राहत फतेह अली खान का नाम ही काफी होता है कि 10-10 हजार का क्राउड कहीं पर भी उस नाम के साथ खड़ा हो जाता है। Spectacular show. It was amazing. राहत का ये मुनफरद अंदाज सबको बहुत पसंद आया। की आवाज भी खैर मामूली है जो कि रागों के अलाप के दौरान बुलंदियों को छूकर दिलों को मोह लेती है। राग पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। ये महफिलें ख्याल आफरीनी के जरिए दिलों को मोह करने का भी जरिया बन रही है। के हमरा राजा जायद अतर खानजादा जियो न्यूज़ ऑस्टिन टेक्सास अमेरिका।